वेलकम गाइस, मैं हूं समीर। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, हम लोग यहां पे सर्कल चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे, चैप्टर 12 की। यहां पे थ्योरम्स वगैरह मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर का प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिया था। तो दो एग्जाम्पल जिसमें मैंने डाल दिया था, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहां पे देखेंगे आज और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस, आज हम एक नए एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल है स्टूडेंट नंबर, मैं डाल नहीं पाया हूँ, सॉरी भूल गया मैं। आप एक बार बुक से चेक कर लेना, क्वेश्चन को मैच कर लेना कि कौन से नंबर का ये एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आइए देखिए इस एग्जांपल में बोला क्या गया है। इस एग्जांपल के अंदर बोला ये गया है स्टूडेंट कि दो कॉर्ड है, ठीक है, ए बी और ए सी। दिख रहा होगा आपको, ये दो कॉर्ड है फिगर के अंदर, ए बी और ए सी, और दोनों इक्वल लेंथ के हैं। दोनों का लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे रेडियस है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है लेंथ उस कॉर्ड का जिसका नाम बी सी है, मतलब बी सी कॉर्ड का लेंथ हमें फाइंड करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पूरे फिगर को ध्यान से देखो, बी सी जो कॉर्ड है ना उसका हमें लेंथ ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी जो है वो कैसे निकलेगा, 2 × CD। बी सी कैसे निकल के आएगा, 2 × CD करने पे। ऐसा क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, थ्योरम पढ़ रखा है, तो थ्योरम में आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल के अंदर कि जब किसी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो कॉर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सी डी और बी डी यहाँ पे दो इक्वल पार्ट हैं, ठीक है। तो आप बी सी को, बी सी को आप ये भी लिख सकते हो 2 × BD, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, आप बी सी को 2 × CD लिख सकते हो, 2 × BD लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे 2 × CD से ही हम बी सी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखिए, अब मतलब बी सी यदि हमें चाहिए, यदि बी सी हमें चाहिए तो हमें सी डी को निकालना होगा। सी डी यदि हम निकाल लेते हैं तो बी सी ईजी से निकल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो सी डी जो है, सी डी ये कौन से ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, मतलब आ रहा है। तो आप देखोगे, जैसे आप फिगर की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि सी डी जो है ओ सी ए ट्राइंगल के अंदर है, ओ सी ए ट्राइंगल के अंदर है। तो इस ट्राइंगल को आप अलग कर लो, ओ सी ए ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लो ताकि सी डी निकालना आसान हो जाए। तो आप इसे, मैंने यहाँ पे अलग बना लिया है, एग्जाम में भी आप बिल्कुल इसी तरह बनाओगे एक एक चीज़। तो आपको मतलब ना नंबर, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना तो उसको मतलब आपकी कॉपी में इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी इजीली आ जाएगा। तो डायग्राम को अलग कर देना चाहिए, ठीक है ना, जिस डायग्राम से आप कोई चीज़ फाइंड कर रहे हो। तो मैंने इस यही किया, यहाँ पे डायग्राम को अलग यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब आपको ओ सी ए में दो साइड इसका, ओ सी और ओ ए, वो इक्वल लेंथ का दिख रहा है, यानी कि दैट मीन्स ओ सी ए जो है वो आइसोसेलस ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें आइसोसेलस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड होता है ना उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो नॉन इक्वल साइड होता है, मतलब जो इक्वल नहीं होता है, उसको हम लोग आइसोसेलस ट्राइंगल में बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, बी से दिखाते हैं। तो बी यहाँ पे क्या है, 12 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए सी डी निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा स्टूडेंट, यदि आप मेरी तरह करेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ओ सी ए आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें इक्वल साइड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे 10 सेंटीमीटर और नॉन इक्वल साइड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे 12 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट, इसके बाद कैसे सी डी को फाइंड करना है वो मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट मैं डायग्राम को यहाँ पर फिर से लेकर के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है।
तो अब आप यहाँ पे देखिए, इधर एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ये आप सेवन्थ क्लास से इसका फॉर्मूला जानते हो कि एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। नहीं जानते तो अभी आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, एक बार आप इसे पढ़ लो, याद रख लो, ठीक है। इससे बहुत ईजी तरीके से सीढ़ी निकल आएगा स्टूडेंट, ठीक है गाइस। तो आइए देखिए, एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बी बी यानी कि क्या है, नॉन इक्वल साइड मल्टीप्लाई रूट अंडर, मतलब रूट के नीचे इक्वल साइड का स्क्वायर। इक्वल कौन सा साइड है, ए, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर। और अभी मैंने बता दिया कि बी क्या है, नॉन इक्वल साइड है, और ए क्या है, इक्वल साइड है। आगे बी का वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है, बी का वैल्यू क्या है, ट्वेल्व। बी का वैल्यू बी की जगह पे क्या पुट करोगे आप, ट्वेल्व। और ए का वैल्यू क्या है, टेन। तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे, टेन रखोगे, ठीक है। फिर बी की जगह पे वापस ट्वेल्व रखना होगा क्योंकि बी का वैल्यू ट्वेल्व है। तो जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया वैसे वैसे आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, तो ये स्टेप आपको मिल जाएगा। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे मिलेगा, तो जैसा दिख रहा है वन अपॉइंट टू दिख रहा है, वन अपॉइंट टू डाल दो, मल्टीप्लाई ट्वेल्व, उसके बाद मल्टीप्लाई, टेन का स्क्वायर हंड्रेड हो जाएगा, ट्वेल्व का स्क्वायर 144 आएगा, और अपॉन में फोर है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, 36 आ जाने के बाद अब 100 में से 36 माइनस होगा तो 64 आएगा रूट के अंदर। तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई रूट अंडर 64, इसके बाद आंसर यहाँ पे ये निकल के आएगा कि 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 64 को रूट से बाहर करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA को हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 2 OA मल्टीप्लाई CD। ये मतलब ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये फॉर्मूला लगाया गया। तो अब आप देख सकते हो बेस क्या है, यहाँ पे बेस जो है वो OA है, और हाइट यहाँ पे जो है वो CD है, CD यहाँ पे हाइट है, CD क्या है, हाइट है, और बेस क्या है, OA। तो बेस OA और हाइट CD यहाँ पे रखा गया, तो इससे भी एरिया निकल जाएगा OCA का। तो हाफ, अब OA के जगह पे क्या रखेंगे, 10, क्योंकि OA 10 के इक्वल है, और CD की जगह पे CD, क्योंकि CD तो हमें ढूंढना है, और एरिया ऑफ OCA हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसी को ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो रखेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 8 96 आ जाएगा, और 10 है तो 10 को डिवाइड में भेज देंगे तो CD निकल आएगा, और CD का वैल्यू आ जाएगा 9.6। तो BC अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि BC कैसे निकलेगा, दो CD को दो से मल्टीप्लाई करने पे, तो CD हमारे पास 9.6 आ गया है, तो अब 9.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD आ जाएगा, ये BC आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर, और दैट इज़ द आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा। तो यही था इतना स्टूडेंट, मतलब इस ये फुल एक्सप्लेनेशन था इस एग्जाम्पल का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको थोड़ा बहुत भी अगर कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ आप रिपीट करके एक बार चेक कर लो, मैंने क्योंकि बहुत रिपीट कर करके बोल दिया है, वैसे भी वीडियो मैंने बड़ी कर दी है, ठीक है ना। तो आप एक बार प्लीज़ रिपीट करके देख लो, यदि आप कन्फ्यूज़ हो रहे तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा, ठीक है ना। ओके थैंक यू। देखिए यहाँ तक का हो गया, आप मैंने पिछले वीडियो में भी ये एग्जांपल ये क्वेश्चन डाला था कि आपको करके रखना है, आपको दोबारा मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, करो आप प्रैक्टिस, मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी डाल दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट गाइस, ओके।